फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक मोबाइल संबंधी वीडियो लेकर आए हैं, जो आपको बगल आइकन दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के आइकन को कहाँ से लाना है, ये जो हाथ ऐसे करके बना हुआ है एक लोगो, ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो हम अपने मोबाइल में चलेंगे और इसे स्टार्ट करके बताएंगे। और ये चीज, इसको कहते हैं एसेसिबिलिटी सेटिंग। एसेसिबिलिटी सेटिंग आपको जाके सेटिंग में और एसेसिबिलिटी सेटिंग और एसेसिबिलिटी सेटिंग में जाकर के नीचे एसेसिबिलिटी ऑप्शन आता है, उसको जाकर के ऑन करना पड़ेगा। अगर आप उसको ऑन करेंगे तो आपका ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा नीचे, जो इस तरह है। इसके करने से कई फायदे हैं, आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे। वो 6 ऑप्शन का क्या यूजेज है, वो भी आपको एक एक करके ऑप्शन बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और इसी तरह मोबाइल और टेक्निकल और स्टडी संबंधी, हाई स्कूल संबंधी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, जाके चैनल की लिस्ट चेक कीजिए। आइए वीडियो को हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में आपको देख रहे होंगे कि इसमें हम मोबाइल को आपको दिखा रहे हैं, मोबाइल को आप देखते जाइए कि जैसा है, इसमें आपका इस आइकन को आप देख रहे होंगे। तो इसमें आइकन में आपको गूगल असिस्टेंस, एसेसिबिलिटी सेटिंग्स और पावर की बटन और वॉल्यूम की बटन और रिसेंट्स और लॉक स्क्रीन और टॉगल्स और नोटिफिकेशन और स्क्रीनशॉट, इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन को आपको नीचे देखिए, जो कैमरे के बगल आपको नीचे आइकन दिखाई देगा। तो इसमें आपको एक ऐसे करके मनुष्य रहेगा, मतलब ऐसे आइकन बना रहेगा। तो वो लोगो एसेसिबिलिटी सेटिंग आपको ये स्क्रॉल करना होता है, जो ऊपर से करता है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपको लॉक करना हो मोबाइल तो ऐसे दबाना पड़ता है बटन, वो भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए दिखाई दे रहा होगा जिस पर हम टच कर रहे हैं, यही है आपका, इसी पर है आपका। ठीक है, यहीं पर टच करना है आपको। तो इसमें हम चलते हैं, एक एक ऑप्शन को डिटेल अब बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल असिस्टेंट को बताएंगे। गूगल असिस्टेंट जो ये जी लिखा हुआ गूगल असिस्टेंट है, इसको हम क्लिक करते हैं तो गूगल असिस्टेंट चालू हो जाता है। यानी गूगल असिस्टेंट, आप जानते हैं कि कोई ना कोई चीज हमें खोजने के लिए काम आता है, तो गूगल असिस्टेंट हम आपको कुछ भी बोल करके हम सर्च कर सकते हैं। तो ये गूगल असिस्टेंट हो गया। गूगल असिस्टेंट आपको इस तरह से यूज करना है। इसके और सारे फीचर जो है और ऑप्शन है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका है एसेसिबिलिटी सेटिंग। एसेसिबिलिटी सेटिंग यह डायरेक्ट आप ऑन कर सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका पावर बटन होता है, मतलब कुछ बटन दबाना पड़ता है तो आपको उसमें पावर ऑन ऑफ रिबूट तरह तरह के ऑप्शन आते हैं। तो इसको आपको एयरप्लेन मोड लगा सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं और उस वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। रिसेंट ऑप्शन है आपका, रिसेंट ऑप्शन आप जानते ही हैं, सॉरी वो साउंड ऑप्शन है। साउंड ऑप्शन अगर आप बटन का इस्तेमाल करते हैं तो बटन आप उसको ऐसे दबाते हैं तो आपका आवाज तेज धीम होता है ना, तो तेज और धीम जो है ये ऑप्शन आपको बटन दबा करके नहीं करना है, उसे साउंड से कर लेना है। और ये आपका आज रिसेंट ऑप्शन दिखाए थे। रिसेंट ऑप्शन के बाद आपको हम लॉक स्क्रीन दिखा दिए, तो ये लॉक स्क्रीन बटन थी। तो लॉक स्क्रीन के बाद आपको देखिए रिसेंट जो भी आप चालू किए होंगे रिसेंट में, आपको वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन आपका रहता है, नोटिफिकेशन भी आपको इसी तरह मिल जाएगी, इसमें ये सारी चीजें हैं आपको। ठीक है, देखिए ये स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आपका सारी चीजें आ गई। नोटिफिकेशन आपको इस तरह करते हैं तो इस तरह करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऊपर से खींचेंगे तो ऐसा करेंगे तो बस आपको यहाँ नीचे उसी आइकन पर टच करो और ऊपर ऐसे नोटिफिकेशन टच करो तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जादू है, क्या जादू है आप देखिए, एकदम बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सारी चीजें ऑप्शन है, बटन का इस्तेमाल किए बिना सारी चीजें आप लॉक कर सकते हैं, अपने मोबाइल को आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं और अपने रिसेंट। तो इस तरह से ये वीडियो है, तो प्लीज इस वीडियो में ये सारी चीजें हैं। और ये स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन हमने आपको दिखा दिया, स्क्रीन शॉट इससे कर सकते हैं, तो स्क्रीन शॉट करके आप कोई भी चीज अपनी स्क्रीन की ले सकते हैं। तो ये आपके कुल मिलाकर के आपको 9 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन आपको इसी तरह मिलेंगे।
इसका यूजेज हमने आपको बता दिया और बाकी आप यूज करके देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए तो आपको देखिए, आपको टेक्निकल मोबाइल और कंप्यूटर संबंधी वीडियो थोड़ा मिलेंगे। टेक्निकल वीडियो मोबाइल को या फायर पी लाक और तरह तरह की सुधार के बारे में आपको वीडियो मिलेगी। और हमारे चैनल पर आपको हाई स्कूल इंटर संबंधी वीडियोज भी मिलेंगी। हाई स्कूल इंटर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स कैसे कैसे लेना है, कैसे कैसे पढ़ाई करना, कैसे तैयार करना, उसकी वीडियो हम डालते रहते हैं। प्लीज चैनल को चेक कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर भी कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए, नहीं तो बुरा और भला दोनों कमेंट कर सकते हैं। नो टेंशन, कुछ भी करिए लेकिन कुछ करिए जरूर, प्लीज लाइक कर दीजिए, मेहनत को सफल बनाइए। ओके, तो इस तरह वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। आज इसी तरह वीडियो में संतोष कुमार को दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वेट एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन फास्ट। ओके, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट।